हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो वीडियो है बहुत कमाल का है, इससे आप सभी को बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ये बताया है कि अगर आप लाइफ में कभी असफल हो जाते हो तो क्या ये आपका अंत है। ओके, यानी बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग लाइफ में असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके बाद हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसके बाद लोग क्या कहेंगे, इसके बाद हम किस तरीके से अपने आप को वापस खड़ा करेंगे, ये सारी चीजें उनके मन में आती है। ओके, और आप लोग तो विद्यार्थी हो, आपको पता है कि अगर आप अपनी कक्षा में अगर आप अच्छा मार्क्स नहीं लाते हो, अच्छा अंक स्कोर नहीं करते हो, तो बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि हाँ आप अच्छा नहीं कर सकते हो। आपके मन अंदर भी क्या होता है, उस तरीके से भावनाएं उत्पन्न होने लगती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग किस तरीके से दूर कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस पार्ट के अंदर देखने वाले हैं। ओके, और ये पार्ट बहुत ही अच्छा है और इससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ये बात याद रखो बच्चे लोग। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पार्ट का जो टाइटल है उसको देखते हैं कि जो जीवन है वो कभी मरा नहीं करते। ओके, तो जीवन नहीं मरा करते हैं। ओके, तो इस टाइटल का क्या मतलब है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर आप कभी लाइफ में असफल हो गए तो क्या इससे आपका जो लाइफ है वो खत्म हो जाता है। आप कहीं हार जाते हो तो क्या इससे आपका लाइफ खत्म हो जाता है। आपने एग्जाम के अंदर कम स्कोर किया है तो क्या आपका लाइफ खत्म हो जाता है। आपने कहीं अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो क्या आपका लाइफ खत्म हो जाता है। तो ये आपको सोचना चाहिए, इससे आपकी लाइफ खत्म नहीं होती है बच्चे लोग। ओके, आपको अपनी गलती से सीखना चाहिए, ये नहीं कि आपको उस गलती को लेके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, आप उसमें उसके अंदर ही आप खोए रहो, उस गलती के बारे में ही आप सोचते रहो, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। ओके, और ये जो कविता है ये लिखी है गोपाल दास सक्सेना जी ने, नीरज जी ने, और ये कविता बहुत ही कमाल की है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पंक्ति के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो पहली पंक्ति यहाँ पे आपको दी गई है। ओके, कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। माला बिखर गई तो क्या हुआ, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसको भी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे बहुत अच्छी बहुत कमाल की लाइनें कही गई है कि जो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि हार मानने के बाद वो छुप छुप के आंसू बहाते हैं, ये सोचते हैं कि हम लोग क्या करें आगे, इसके बाद हम लोग किस तरीके से आगे वापस बढ़ सकते हैं। तो ये सोच के वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, बहुत ज्यादा अकेला महसूस करते हैं अपने आप को। ओके, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं करना है। ओके, क्योंकि अगर आपके कुछ सपने अगर नहीं पूरे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप और भी सपने नहीं देख सकते, आप उनको पूरे नहीं कर सकते। आप सपने देखो, क्योंकि अगर आप देखते हो, आप सपने को देखो, उसको एक गोल बनाओ, उसको आप एम बनाओ कि मुझे ये अचीव करना है, आप उसके लिए मेहनत करो, आप कभी ना कभी उस सपने तो पहुंचोगे ही, आप कभी ना कभी उस एम को अचीव कर ही पाओगे। ओके, उसी तरह से यहाँ पे एक माला का उदाहरण दिया गया है कि अगर मोती की माला है अगर बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू पर नीलाम हुई तो सपने समझो पूरी हुई तपस्या। ओके, यानी अगर एक माला होती है, अगर वो माला ये सोचे कि मैं एक ही डोर में हमेशा के लिए बंधी रहूं तो ये इम्पॉसिबल है, कभी ना कभी वो माला की जो डोर है वो टूटेगी ही और वो कभी ना कभी जमीन पे गिरेगी ही। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि आपको आपकी जो लाइफ में जो समस्या है वो कभी आएगी नहीं, आपकी जो लाइफ है बहुत स्मूथ, बहुत अच्छे से, आपके लाइफ में कभी कोई टेंशन ना हो, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आप कभी भी आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ओके, और रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करते हैं। ओके, तो ये बात यही कही गई है कि जो लोग ये करते हैं, अपनी अपनी असफलता को ये कर अपनी असफलता को लेके बैठते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और जो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि हमारे लाइफ में अगर थोड़ी सी मुसीबत आ गई है तो हम लोग इससे मुसीबत को बाहर नहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये सारी चीजें आपको सोचनी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आप किस तरीके से नहीं सोच सकते, यहाँ पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पंक्ति पे बढ़े तो नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पे देखो बच्चे लोग,
खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहले सुबह धूप की धोती। ओके, तो यहां पे आपको ये बात पता है कि आप कोई भी अगर चीज नहीं खोते जब तक आप उसको ये नहीं समझ लेते कि मैंने खो दिया है। ओके, जैसे यहां पे आपको आपके मन में अगर आप सोचते हो कि मैं हार गया हूं, तो आप सच में वो हार जाते हो। ओके, आपको ये सोच के चलना चाहिए कि मैं अगर ये हार गया तो मैं इससे अच्छा करके दिखाऊंगा, इससे बेटर करके दिखाऊंगा। और मैं ये चीजें अगर हारा हूं तो उसमें आपको क्या ढूंढना है कि आप क्यों हारे हो, आप उसके अंदर क्या सुधार कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। जैसे आप अगर देखते हो एक चांदनी रात को, ठीक है, तो चांदनी रात आपको कितनी मनमोहक लगती है, लेकिन उससे अच्छा क्या है कि आपको जो उसके अगले दिन आने वाली जो सूर्य की पहली किरण है वो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लाइफ को देखो कि आपके लाइफ में हाँ ये ठीक है, ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में जो आगे आने वाला है वो ज्यादा ब्राइट होगा, ज्यादा सुंदर होगा, ये आप सोच के चलो। ओके, उसके बाद आगे है कि वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि लाइफ में कभी कभी कैसा होता है कि बहुत सी मुसीबत आती है, ठीक है, और बहुत सी मुसीबतें चली जाती है, यानी कुछ मुसीबतें बहुत ज्यादा भयंकर होती है और कुछ छोटी छोटी होती है, लेकिन मुसीबतें तो आती ही आती है। ठीक है, कुछ मुसीबतों को सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके, उन मुसीबतों को सॉल्व का सामना करना पड़नियों का सामना करना पड़नियों का सामना करना पड़नियों का सामना करना पड़नियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप उन मुसीबतों से पार कर पाते हो तो आपको उससे ज्यादा सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा आपके पास उसके लिए ज्ञान आता है, और वो सेम चीज आप कभी लाइफ में रिपीट नहीं करते हो। उसी तरह से यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ खिलौने चले जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बचपन है वो मर गया है। ओके, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि ऐसे बहुत से जो बच्चे हैं बिना खिलौनों के भी रहते हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है, फिर भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत लाइफ में आगे जाके सक्सेस भी उनको मिलता है। तो आपको इस तरीके से लाइफ को सोचना है और लाइफ के बारे में इस तरीके से जो अप्रोच है वो रखना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पंक्ति है, नेक्स्ट पंक्ति को हम लोग देखते हैं। ठीक है, कितनी बार गगरिया फूटी, सिकन पर न आई पनघट, कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही तट पर। ओके, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो गांव होता है, गांव में जो महिलाएं होती है पानी भरने के लिए कुएं पे जाती है, जिस गांव में नदी होती है नदी पे जाती है, और वहां पे पानी भरने के दौरान उनके कई बार जो मटकियां है वो फूट जाती है, लेकिन उनके मटकी फूटने पर भी वो कभी हार नहीं मानती है, कि ये नहीं सोचती है कि मैं कभी वहां पे वापस पानी भरने नहीं आऊंगी। ओके, वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलती है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसके अंदर निकाल ही लेती है कि हाँ ये फूट गया तो ये शुभ होगा, ये अच्छा काम होगा। ओके, और वो कभी भी इस बात का लेकर वो दुख नहीं मनाती है। ओके, वो नेक्स्ट डे वापस अच्छे मन में अच्छे उत्साह के साथ पानी भरने आती है, वो सोचती है कि हम लोग किस तरीके से ज्यादा सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, और यही बात कही गई है कि अगर आप सच में अगर किसी चीज में अगर आप कूदते हो तो उसके अंदर आपको मुसीबत आएगी ही आएगी। अगर आप समुन्द्र के अंदर यात्रा कर रहे हो तो आपको उसके अंदर मुसीबत का सामना करना ही करना पड़ेगा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कभी कभी आपके नाव का डूबने का खतरा हो, लेकिन ये सारे खतरों को आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, लाइफ में सफल हो सकते हो, आप किनारे पे जा सकते हो। ओके, आगे कहा गया है कि तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पज्जर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते हैं। ओके, और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि आपने ये देखा होगा, पतझड़ का मौसम देखा होगा बच्चे लोग, कि पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि सारे पेड़ से जो पत्ते हैं वो गिर जाते हैं, तो क्या इससे पेड़ मर जाता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कि पतझड़ के मौसम में जो पूरा जंगल होता है, पूरे जंगल के जो पत्ते हो वो गिर जाते हैं, और आप ऊपर देखते हो तो पूरा एकदम सुनसान, कहीं कुछ नहीं, कोई पत्ता नहीं, तो क्या इससे पूरा जंगल सुनसान हो जाता है? क्या इससे वो जो पूरा जंगल है वो मर जाता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वो लोग नए उत्साह के साथ, नए मौसम के साथ अपने अंदर नई पत्तियां लेके आते हैं। ओके, नए नए उसके अंदर पल्लव आते हैं, नए नए चिड़ियों का वास होता है, नए नए घोंसले बनते हैं, तो ये सारी चीजें होने लगती है। तो आपको लाइफ के दोनों तरफ से सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। ओके, और उससे आप किस तरीके से नेगेटिव से आप पॉजिटिव कर सकते हो, ये सारी भी चीजें आपको सोचनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है,
लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेखी गंध फूल की, तूफानों पर ते छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करते हैं। ओके, तो आपको पता है कि अगर आप किसी चीज का नुकसान करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको पूरी तरह से समाप्त कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी फूल को तोड़ते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फूल को तोड़ने पर आप उसकी खुशबू को भी छीन लो, ठीक है? तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो जो भी आपकी क्वालिटी होती है, जो भी आपकी खासियत होती है बच्चे लोग, वो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। ओके, तो इसके लिए अपने अंदर एक क्वालिटी को बिल्ड करो, वो छोटी क्वालिटी हो, बड़ी क्वालिटी हो, आप कोई भी क्वालिटी बिल्ड करो। ओके, आप किस काम में बहुत ज्यादा माहिर हो ये आप देखो, उस काम को आप किस तरीके से और बेहतर कर सकते हो ये आप देखो। ओके, और आप अगर उस काम में अगर माहिर हो जाते हो तो आप किसी भी परिस्थिति में उस काम में आप माहिर ही रहोगे। ओके, और यही बात यहां पे कहा गया है कि अगर आप देखोगे कि जो ये तूफान होते हैं, तूफान के अंदर जो मिट्टी धूल बहुत सारी चीजें उसके साथ उड़ती है, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जा पाती है, कुछ ना कुछ समय के बाद जो उसके साथ उड़ने वाली चीजें होती है वो साथ छोड़ देती है। ओके, और यही साथ छोड़ देती है, और ये खिड़की बंद ना हुई धूल की। ओके, नफरत गले लगाने वालों सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण मरा नहीं करते। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई कोई आपसे नाराज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी नाराजगी को अपने ऊपर ले लो, आप ये सोचो कि वो मेरी वजह से ही नाराज है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ऐसा आपने आईने के सामने देखा होगा कि बहुत से लोग नाराज होते हैं, बहुत से लोग हंसते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आईना उनके हिसाब से रिएक्ट करता है। ओके, वो अपने हिसाब से ही चलता है, अपने हिसाब से ही कार्य को संचालित करता है। तो वो भी सेम आपको बनना है कि आप अपने हिसाब से किस तरीके से कार्य को कर सकते हो, किस तरीके से आप डोमिनेंट बन सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको अपने लाइफ में अंदर करनी है। ओके, तो ये आपको जो स्टोरी है वो आपको कैसी लगी, ये जो पूरी कविता है आपको कैसी लगी, आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। ओके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।